आसनसोल के सालानपुर थाना क्षेत्र के कल्याणेश्वरी फाड़ी की पुलिस ने दो एटीएम हैकर्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अजीत कुमार और आसिफ अंसारी हैं। ये दोनों धनबाद जिले के झरिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उनके पास से 21 एटीएम कार्ड्स, 8 मोबाइल फोन और 52,000 नकद बरामद किए गए हैं। आसनसोल के सालानपुर थाना क्षेत्र के कल्याणेश्वरी फाड़ी के पुलिस ने दो एटीएम हैकर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अजीत कुमार और आसिफ अंसारी हैं। ये दोनों धनबाद जिले के झरिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों को सालानपुर थाना अंतर्गत कल्याणेश्वरी फाड़ी की पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान पकड़ा है। सोमवार को अजीत कुमार और आरिफ अंसारी की पेशी आसनसोल जिला अदालत में की गई, जहां से पुलिस दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। रविवार की रात पुलिस फाड़ी के प्रभारी उज्जवल साहा पुलिस बल के साथ नाका चेकिंग कर रहे थे, तभी अजीत और आसिफ बाइक पर सवार होकर वहां से गुजर रहे थे। वे कल्याणेश्वरी से मैथन की ओर जा रहे थे। पुलिस ने जब उनकी बाइक की डिक्की की तलाशी ली तो दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। हालांकि अंत में जब डिक्की खोली गई तो पुलिस की आंखें चौंधिया गई। उन्हें डिक्की के अंदर और बैग में बड़ी संख्या में मोबाइल और एटीएम कार्ड रखे हुए मिले। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वे जवाब नहीं दे सके कि उनके पास इतने सारे एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन कहां से आए थे। उनके पास से 21 एटीएम कार्ड, 8 मोबाइल फोन, 52,000 नकद बरामद किए गए। पुलिस ने इन सभी एटीएम, मोबाइल और कैश को बाइक समेत जब्त कर लिया है। प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि वे एक बड़े अंतर्राज्यीय एटीएम हैकिंग गिरोह के सदस्य हैं। शुरुआती जांच में पुलिस को ये भी पता चला है कि एटीएम हैकिंग गिरोह का मुख्य सरगना झारखंड में छिपा हुआ है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। एटीएम हैकिंग गिरोह के सदस्य राज्य के विभिन्न इलाकों के एटीएम से कैश निकालकर सरगना के पास पहुंचाते थे और इसके बदले उन्हें कमीशन मिलता था। अजीत कुमार और आसिफ अंसारी ने स्वीकार किया कि वे लोग काफी समय से अलग अलग एटीएम से रुपए निकालकर उनके एवज में कमीशन प्राप्त करते थे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আপনার স্বপ্নের বাড়ি এখন হাতের মুঠোয়। বাঁকে বিহারী ধাম, 2 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গোপাল মাঠের মোহনপুর মৌজায় এই পরিবেশ বান্ধব 150 বিঘের টাউনশিপে থাকছে নানান ধরনের প্লট। থাকছে ডিউপ্লেক্স, বাংলোর উপযোগী প্লট। বাঁকে বিহারী ধামের আবাসিকদের জন্য থাকছে জগিং এরিয়া, সুইমিং পুল, গার্ডেন, মন্দির, ক্লাব হাউস, হাসপাতাল, কমার্শিয়াল মার্কেটের মতো অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধে। বাঁকে বিহারী ধাম থেকে মাত্র 5 মিনিটে পৌঁছে যাবেন অন্ডাল বিমানবন্দরে। তাই আর দেরি না করে যোগাযোগ করুন সাইট অফিস বাঁকে বিহারী ধাম, গোপালমাঠ, দুর্গাপুর 17। মোবাইল নম্বর 7908363651 অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের প্রধান কার্যালয় A/24 বাঁশরা রোড, রামবাগান, শিহারশোল, রানীগঞ্জ। মোবাইল নম্বর 7908363651।